जंगल में बाज पक्षी का घर चारों तरफ फैला हुआ था और सभी पक्षी मंदिर में दुर्गा माता की पूजा भी कर रहे थे, क्योंकि उसी समय नवरात्रि भी थी और सभी पक्षी आपस में मिलकर दुर्गा माता के नौ रूपों की वंदना करते थे। खौफ के कारण सभी पक्षी रात में अपने घर के अंदर रहते और सुबह रोजाना अनाज की तलाश में जाते थे। कुछ दिन ऐसे ही बीतता गया और लालच ने दो अंडे दोनों अंडे को लालच ने छोड़कर अनाज की खोज में निकल गए। तभी उसके घोंसले में बाज पक्षी आ गए और घोंसले में लाडो चिड़िया को ना देखकर वह सोचा, अरे वाह, ये चिड़िया तो नहीं है, चलो मैं इसका अंडा चुरा कर खा जाता हूँ और ये आकर रोएगी तो बड़ा मजा आएगा। इतना सोचकर बाज पक्षी ने लाडो चिड़िया के दोनों अंडा चुरा लिए और अपनी गुफा में ले जाकर रख दिया। शाम होने से पहले लाडो चिड़िया जब अनाज लेकर घर आती है तो देखती है कि उसके अंडे नहीं रहते हैं और वह समझ जाती है कि यह काम होना हो बाज पक्षी का है और वह दुर्गा माता के सामने रोते हुए कहती है, हे माँ, आपने मुझे इतने दिनों की तपस्या के बाद दो अंडे दिए और वो भी बाज पक्षी चुरा ले गया, कृपया माँ आप मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर लाडो वहाँ रोती रहती है। तभी दुर्गा माता उसके सामने प्रकट होती है और कहती है, लाडो वो बाज पक्षी अभी तुम्हारा अंडा नहीं खाया है और ना ही उसने उस पर किसी प्रकार की हानि पहुंचाई है, इसलिए तुम अभी जाओ और बाज पक्षी के गुफा से अपना अंडा उठा लाओ। लेकिन लाडो कहती है, लेकिन माँ वो तो बहुत खूंखार है, वो तो हम सबको मार डालेगा। उस पर दुर्गा माता बोली, तुम चिंता मत करो लाडो, ये लो मैंने तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति दे दी है और तुम जाओ अपना अंडा बचा लो। तभी थोड़ी देर बाद कबूतर भी वहाँ आता है और कहता है, लाडो लाडो मेरा अंडा भी बाज पक्षी चुरा ले गया है, चलो हम चलकर उसे ढूंढते हैं। अभी मुझे दुर्गा माता ने दर्शन दिए हैं और वो बोली है कि हम जाकर अपने अंडे बचा ले, चलो हम शाम होने से पहले बाज पक्षी की गुफा में पहुंच जाते हैं। और दोनों ही शाम होने से पहले बाज पक्षी के गुफा में जाते हैं तो देखते हैं कि बाज पक्षी वहाँ नहीं रहता है, जिससे कि सभी अपने अपने अंडे उठा लेते हैं और दुर्गा माता को धन्यवाद देते हैं, फिर अपने अंडे लेकर अपने अपने घर चले आते हैं। और फिर नवरात्रि के आखिरी दिन सभी दुर्गा माता की भव्य आरती और उनके पूजन करते हैं और साथ ही उनका भजन करते लाडो चिड़िया माँ दुर्गा के अनन्य भक्त थे। वो सुबह सुबह माता दुर्गे की पूजा करके शहर पर निकलती है और जाकर
एक पेड़ पर बैठ जाती है। तभी वहां पर रानी को भी आती है और वहां बैठ जाती है और कहने लगती है, सुबह सुबह तुम अपनी यहाँ शक्ल लेकर क्यों चली आई? एक तो तुम बाज हो, ऊपर से अपनी शक्ल दिखाकर हमारा दिन खराब कर देती हो। तुम क्या जानो बच्चे का सुख क्या होता है? इतना सुनते ही लाडू चिड़िया रोने लगती है और कहने लगती है, मुझे माफ कर दो बहन, मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। इतना कहकर लाडू चिड़िया अपने घर जाती है और माता दुर्गे से कहती है, हे माँ, मेरी भक्ति में ऐसी कौन सी कमी रह गई जो आपने मुझे एक बच्चा नहीं दिया? तभी वहाँ पर जग्गू चिड़ा आता है और कहता है, हो सकता है लाडो, माता दुर्गा हमारी परीक्षा ले रही हूँ। और अब धीरे धीरे समय बीतने लगता है और लाडू चिड़िया सो रही होती है। तभी उसके सपने में माता दुर्गा दर्शन देती है और कहती है, सुनो लाडू, अगर तुम्हें बच्चा चाहिए तो तुम नवरात्रि में 9 छोटी चिड़िया को खाना खिलाओ और उनके आशीर्वाद भी लो, जिससे कि तुम्हारे घर में एक नन्ही सी परी जन्म ले। और इतना सपना देखकर लाडू उठ जाती है और सारी बातें जग्गू को बताती है। इतना सुन के दोनों पति पत्नी माँ दुर्गा के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और अगले दिन जब सुबह होती है तभी लाडो 9 छोटी चिड़िया को बुलाकर खाना खिलाती है। तभी घर के बाहर उसकी दोस्त सुंदरी चिड़िया आवाज लगाती है और लाडो से कहती है, क्या हुआ लाडो, तुम बहुत उदास लग रही हो? लाडो बोली, आज माता दुर्गा मेरे सपने में आई थी और उन्होंने मुझसे कहा है कि वह मुझे एक कन्या देंगी। इतना सुनकर सुंदरी चिड़िया बोली कि आज माता दुर्गा मेरे भी सपने में आई थी और उन्होंने कहा है कि मैं तुम्हें अपना अंडा दे दूं और मुझे पूरा भरोसा है कि तुम मेरे अंडे को अपने जान से भी ज्यादा देख रेख करोगी और तुम मेरे अंडों की देख रेख करोगी। लाडो चिड़िया अंडा लेकर अपने घर में जाती है और उसकी देख रेख करने लगती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और उसमें से एक छोटी चिड़िया निकलती है। यह देखकर लाडू बहुत खुश हो जाती है और वह दुर्गा माता की आरती करने लगती है। कुछ यह बात रानी कौवी को पता चलती है कि लाडो की बेटी गोद ली है और वह तुरंत चिकू चिड़िया के पास जाती है और कहती है, ये तुम्हारी माँ नहीं है, तुम्हारी माँ तो सुंदरी चिड़िया है, इसने तुम्हें गोद लिया है और ये तुम्हें मार डालेगी, इसलिए तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। इतना सुनकर चिकू बोली, क्योंकि वो तो
साक्षात माँ दुर्गा का स्वरूप थी। वो बोली, इन्होंने मेरी बचपन से देख रेख की है और मुझे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं की है, इसलिए आप यहाँ से जाइए और मैं अपनी माँ के साथ बहुत खुश हूँ। लाडू चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है और रानी को भी चुपचाप वहाँ से चली जाती है और वह सोचने लगती है कि यह कैसे हो गया। तभी उसके सामने एक शेर के समान पक्षी प्रकट होता है और कहता है, मैं कोई साधारण पक्षी नहीं, मैं दुर्गा माँ का वाहक हूँ। तुम ध्यान से मेरी बात सुन लो, लाडू चिड़िया और उसके परिवार को परेशान करना छोड़ दो, वरना बहुत बुरा होगा और अब तुम भी सुधर जाओ। इतना सुनकर रानी कॉफी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह अब प्रण लेती है कि अब ऐसी गलती नहीं करेगी और वह भी अपने घर में माता दुर्गे की प्रतिमा स्थापित करके उनकी पूजा करने लगती।